हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम के बारे में। आप कॉलम बनाते हैं, बहुत सारी जगह हमें परेशानियां भी होती है। कहीं कहीं हम सोचते हैं कि कॉलम को हम बाद में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये इस टाइप के कुछ कन्फ्यूजन है जो आपके दिमाग में आते हैं। मैं कॉलम के बारे में आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉलम के बारे में। देखिए होता क्या है, कॉलम एक सबसे बड़ा डाउट मैं पहले आपका क्लियर कर दूं, कभी भी कॉलम अगर आपका एक जगह बन चुका है तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट फ्लोर में उसको चेंज कर लें, सेकंड फ्लोर में आप और चेंज कर लें उसको, फिर चेंज करते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर वॉल के बारे में आती है कुछ बातें, तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब जब हम कॉलम एक जगह बना लेते हैं तो क्या वाल यानी कि दीवार उस जगह बनाना सही है या हम इसे आइट साइड भी कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कॉलम का जिसमें यूज हो रहा है, लोड यहां पर सिर्फ कॉलम पर आ रहा है, यानी कि वाल सिर्फ पार्टीशन का काम कर रही है, आप इसे उसके आजू बाजू आइट साइड कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वाल पोजिशन आप चेंज कर सकते हैं। कॉलम के बारे में ये विशेष चीज जो डाउट्स होते हैं आप लोगों को, फर्स्ट फ्लोर में बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, वो ये है कि स्लैब जब है तो आप स्लैब में कहीं भी बीच में वाल ना रखें, बाकी आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज। बात आती है कॉलम से कॉलम की दूरी, कॉलम के साइज, कॉलम से कॉलम की दूरी आपकी लगभग आप अगर एज पर डिजाइन जाए तो आपकी 30-40 फीट तक भी हो सकती है, 20 फीट 25 फीट तक तो साधारणतः या सामान्यतः लेते ही है, लेकिन मिनिमम जो अगर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल बेसिस डेटा की बात करें तो यहां पर कॉलम आपके 10 से 12 फीट आप ले सकते हैं, जिसमें आपके साइज रहेंगे 9x9, 9x12। अगर आप 14-15 फीट तक जाते हैं तो आपके 9x14 से 15 तक आ जाते हैं, अगर आप 18-20 फीट तक जाते हैं तो आपके 9-18 के कॉलम या 8-18 के कॉलम आपको लेने पड़ेंगे, साइज की बात हो जाती है यहां पर। अब हम बात करते हैं कॉलम जो है तो उसमें सरिया, एक बहुत ज्यादा हमें इसमें डाउट रहता है, एक विशेष चीज है कि सरिया हमें कैसे देना है, कितना देना है। तो कभी भी कॉलम में आप 12 mm से कम का सरिया यूज ना करें, जो कि IS कोड में भी आपको बताया गया है। आप अगर IS कोड पढ़ते हैं, आप इंजीनियर है, स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। IS कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कोड है वो निर्धारित करता है कि आपको कितने mm का, कितने फिट का, कितना क्या चीजें लेना है, और उसकी ही स्टडी सभी इंजीनियर्स करते हैं। बात करें 12 mm से कम आपको यूज नहीं करना चाहिए। कॉलम के साइज से अगर क्या यूज करना चाहिए बात करें तो कॉलम में आपको 12 mm के यूज करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 9x9 के यानी या 8x8 के, 9x9 के, ये सभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंच में, एक चीज आप बिल्कुल समझ लें, 9x12 के, 9x14 या 15 के अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप 9x12 में 16 के कुछ यूज कर सकते हैं अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तब, बाकी आप 12 mm के यूज करें कोई दिक्कत नहीं। 9x15 में आप 16 mm के यूज करें और 12 के भी करें, 18 में आप 16 के करें और साथ ही साथ आप 12 के भी करें, 10 के आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। जो रिंग होती है यानी टाइस, अगर मान लीजिए ये बीम में हो जाती तब हम उसे स्टिरप्स कहते हैं, लेकिन अगर यही चीज अगर आपके कॉलम में होती तो इसे हम टाइस कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है, अगर जो इंजीनियर्स को नहीं पता तो उनको इस बात से कुछ सीखने को मिल सकता है। बात करें हम कॉलम के रेशो के बारे में, यहां पर एक बहुत ज्यादा आपके मन में डाउट आता है कि कॉलम में रेशो क्या ले, M15, M20, M25, तो ये आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है, आपके जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आपके कंसल्टिंग इंजीनियर है, आप उनसे इस बारे में बात कर लें। लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया या आप नहीं अपने खुद से आप घर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर M20 ग्रेड का यूज करें, जिसमें 1.5-3 होता है, एक इसमें सीमेंट रहेगा, 1.5 भाग इसमें आपका सैंड रहेगा और बाकी 3 एग्रीगेट रहेगा। आप सैंड में यहाँ पर क्रश सैंड का भी थोड़ा यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, इसके बाद आप एग्रीगेट 10 mm और 20 mm का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आती है,
आज के समय में आप देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्टर है या फिर आप खुद का घर बना रहे हैं, जो मटेरियल का रेशियो है, M20 की बात किया मैंने, यहाँ पर आपका M20 मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए एक बैग आपका सीमेंट है तो यहाँ पर 2-4 हो जाएगा, या फिर आपका 3-3 हो जाएगा, तो ये रेशो पूरा बिगाड़ देते हैं। हाँ, ये चीज सही है कि रेशो बिगाड़ने से कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं कॉन्ट्रेक्टर को, या फिर आपका भी कुछ फायदा हो जाता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ नहीं होता, ड्यूरेबल नहीं होता, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाद में हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, कुछ क्रैक्स जनरेट हो, या फिर आपको समस्या आए, आप फिर बाद में कहोगे कि सीमेंट खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी और भी गलतियां होती है। कॉलम में अगर हम बात करें तो आप जो लैपिंग करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया हूं, आपको मिड में करना चाहिए, अल्टरनेट पर करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कहीं भी आपने लैपिंग कर दी, और कोशिश करें कि लैपिंग की आपको जरूरत ना पड़े, ये चीजें आपके लिए फायदेमंद हो सकती। कॉलम से कॉलम की दूरी की बात करें तो यहां पर आपको मैं बता चुका हूं 9 फीट से लेकर आप 12 फीट 15 फीट तक रख सकते हैं। सामान्य में 9x9 और 9x12 के कॉलम रखें। अगर आप बिल्कुल भी डिजाइन पर नहीं जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस ही रहना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपको 12 से 13 फीट की हाइट तक 9x12 के कॉलम सफिशियंट है। इनमें ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कुछ चीजें हैं जो फुटिंग फाउंडेशन के बारे में छूट चुकी हैं, जो कि हमें इसी तरीके से बताना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको इससे हेल्प मिली हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आपको कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और लाइक जरूर कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहता है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।